दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं जो है पनीर की सब्ज़ी जो है अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, तो चलिए बनाते हैं। और बनाने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मेरी जो है हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक गैस को ऑन कर दिया है, पैन रख दिया है, तो हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो तेल मैंने सरसों का यूज किया है, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा फैला लेते हैं। तो हमको चाहिए, मैंने यहाँ पे जो है पनीर लिया हुआ है, तो ये 250 ग्राम से ज़्यादा पनीर है। तो आप, मैंने घर पे बनाया हुआ था, एकदम देखिए, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, एकदम पूरा स्पंजी है। तो आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं और नहीं घर पे भी बना सकते हैं, जैसे आपके पास अवेलेबल हो उस हिसाब से। तो अभी इसको चलिए फ्राई करते हैं, तेल भी गर्म हो गया है, तभी हम फ्राई करना चालू करते हैं। ऐसे ऐसे करके, हमको ज़्यादा तेल नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही में बस, केवल इधर उधर पलट के जो है फ्राई कर लेंगे और बनके बहुत अच्छा तैयार होती है। बस गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे, उतना ही डालेंगे जितना कि इसमें आ जाए। दो पार्ट में हम इसको जो है फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो हम चलिए इसको पलट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ऐसे करके हम पलट लेंगे। देखिए आसानी से पलटा भी रही है। और यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज की हूँ, तो आप जो खाते हो तेल वो यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी दिखाती हूँ कि ये फ्राई बिल्कुल हो गई है, तो इसको हम निकाल लेंगे। ऐसे करके हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। तो अभी मैं कि इसमें जो है हमने तेल एक चम्मच के करीब डाला होगा, तो लेकिन जो है तेल इसमें बचा हुआ है। देखिए कि हमको दोबारा जो है तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम थोड़ा सा फैला देंगे और ऐसे हमारा इसने में ही फ्राई हो जाएगा। तो ऐसे करके हम दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए जो है मैंने पनीर को जो फ्राई कर लिया है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच के करीब तेल, ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें। और इसमें मैं जो है कुछ अलग हटके बना रही हूँ, तो उसके लिए जो है मैं इसमें डालूँगी जो है, मैंने जो है छोटी छोटी, दो ना बहुत बड़ी थी ना छोटी थी, बिल्कुल छोटी ही। तो इस प्याज को मैंने ऐसे लंबे लंबे काट लिया है, तो इसको हम इसमें डाल के हल्का फ्राई करेंगे। इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। और इसमें मैंने जो है दो मीडियम आकार के टमाटर लिए थे, तो उसको भी साथ में फ्राई कर लेंगे सॉफ्ट होने तक। बस टमाटर साथ में डालने से क्या होगा कि जो है प्याज भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और टमाटर भी साथ में हो जाएगा। तो उससे करते हैं सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए जो है ये अच्छे से साफ हो गया है, तो इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। थाली में निकाल लेंगे तो जल्दी जो है ठंडा हो जाएगा। इसको हम जो है थोड़े देर ठंडा होने तक इसको जो है रखते हैं, वेट करते हैं। ऐसे फैला दिया है कि जल्दी ठंडा हो जाए। देखिए ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब हम एक मिक्सर जार लेंगे,
और उसमें जो है इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको बारीक जो है पीस के जो है पेस्ट तैयार करना है। मैं जो है एक हरी मिर्ची डाल रही हूँ, इसको भी तोड़ के हम डाल लेंगे। इसमें हल्का सा पानी थोड़ा सा डालेंगे ताकि अच्छे से पीस जाए। देखिए जो है मैंने जो है पीस के तैयार कर लिया है। देखिए मैं दिखाती हूँ निकाल के, एकदम बारीक जो है तैयार हुआ है। तो इसको हम निकाल लेते हैं कटोरी में। यहाँ पर मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है, तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल। तो तेल हमारा जो है गर्म हो चुका है, तब इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटी हुई छोटी सी प्याज मैंने लिया था, इसको डाल दूंगी। तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, तब तक हमें पकाना है। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तब इसमें मैं डालूंगी जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट एक चम्मच। इसको भी हम साथ में भून लेते हैं। मैंने जो है इस कंपनी का लिया है, तो आप चाहे जो कंपनी का ले सकते हैं। तो इसमें जो है पक गया है, तो इसमें जो है मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको मैं डाल दूंगी। आप सोच रहे होंगे कि लाल मिर्ची पहले क्यों डाल रहे हैं, तो इसका यही सीक्रेट है। और खुशबू और इसका कलर भी निखर के आएगा। तो देखिए जो है मैंने पेस्ट निकाल लिया है, तो इसमें मैं ऐड करूंगी दूध। दूध जो है मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने कितना लिया हुआ है। इसको हम डाल के इसको थोड़ा सा चला देंगे। इधर हमारा मिर्ची भी डाल दिया है, तो इसको भी डाल देंगे साथ में और इसको हम पकाएंगे जब तक इसका कलर बदल ना जाए। तब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए ये सूख के जो है कम हो गया है, तब इस टाइम पे हम जो है इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें जो है आधी छोटी चम्मच जो है हल्दी पाउडर, एक से डेढ़ चम्मच जो है धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और गरम मसाले जो है हम बाद में ऐड करेंगे। तो इसको हम अब अच्छे से पकाएंगे जब तक ये खुशबू आने ना लगे और तेल ना छोड़ दे, तब तक हम इसको पकाएंगे। इसको हमें जो है बराबर चलाते रहना है, क्योंकि जो है नीचे से मसाला जले ना, तो इसमें बीच बीच में ऐसे करके हमको चलाते रहना है। मसाला ऐसे कैसे कलर में था और कितना था और भून के कितना हो गया है कम एकदम, तो इस स्टेज पे हम डालेंगे मटर। तो मैंने हरी मटर लिया हुआ है एक कटोरी, तो इसको मैं डालूंगी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको डाल के हम थोड़ी देर भूनेंगे। अभी हमारी भून चुकी है, तो हम डालेंगे पनीर जो हमने फ्राई करके रखी थी, तो इसको हम डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से।
हमने मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे पानी, तो पानी आप अपनी ज़रूरत जैसे आप गाढ़ा या कम गाढ़ा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। जैसी ग्रेवी आपको पसंद आती हो, तो मैंने जो है यहाँ पे एक गिलास पानी डाला है। अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे मीडियम टू लो पे, इसको जो है 15 से 20 मिनट तक इसको पकने देंगे, फिर देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। एकदम गाढ़ी होके तैयार हो गई है, तो मुझे ऐसे ही चाहिए था। आपको इससे अगर हल्का चाहिए तो उससे थोड़ा पहले ही बंद कर दीजिए, और अगर गाढ़ा चाहिए ऐसे ही तो आप इतने टाइम पे आप जो है इसको बंद कर सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ती, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तो इसको हम मिक्स कर देंगे। और इसके साथ में ही जो है गरम मसाला डालूंगी एक चम्मच और थोड़ा सा। मिक्स कर दिया है इसको, 2 से 3 मिनट और पकने देंगे। देखिए एकदम बिल्कुल एकदम गाढ़ा गाढ़ा ऐसे बन के तैयार हुआ है। तो इसको चलिए गैस को बंद कर देते हैं और इसको बाउल में हम निकाल लेते हैं। देखिए जो है मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, तो देखने में कैसी एकदम बिल्कुल टेस्टी लग रही है, कि जब देखने में सुंदर लगता है तो खाने में भी टेस्ट उसका अच्छा होता है। तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत टेस्टी होगा। तो मैंने रोटी किससे खाने के लिए ही बनाया था, तो थोड़ा ग्रेवी मैंने गाढ़ा रखा है, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो अगर बनाइएगा और खाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। तो जो अगर मेरी वीडियो तो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।